आंखों ही आंखों में अखियों से गोली मारने के बाद, इशारा करने के बाद, पूरे देश में फेमस होने के बाद प्रिया प्रकाश इस समय हमारे साथ इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुकी हैं, जिनसे बात करेंगी मेरी सहयोगी रचना। शुक्रिया कंचन। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि रातों रात फेमस होने के बाद आपको लग कैसा रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। अभी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। और जिस तरह आपको वैलेंटाइन गर्ल कहा जा रहा है, ये टैग आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वीट है। अच्छा है, मैं यहाँ अकेली मेरी वैलेंटाइन से मना रही हूँ। प्रिया, एक बात मैं भी आपको कहना चाहूंगी, मैंने आपका वीडियो देखा है, आप बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत आप उसमें लग रही हैं। और अब जितने कॉन्टेक्ट नंबर्स मेरे हैं, कोई अपना स्टेटस अपडेट कर रहा है, कोई उसे सोशल वेबसाइट पर पोस्ट कर रहा है, अलग अलग तरीके से आप फेमस हो रही हैं रातों रात। मैंने सुना कि सब लोग स्टेटस रख रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। बहुत छोटी उम्र है आपकी और इस उम्र में इतनी ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचना, हर सेकंड आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? फॉलोअर्स मुझे पता नहीं, आई हैव टू थैंक देम ऑल, सबसे बहुत शुक्रिया कहना है क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, लव किया है और एक्सेप्ट भी किया है और आगे भी करते रहे। प्रिया, आप 18 साल की हैं। अच्छा, आपने जो ये आंखों से गुस्ताखियां की है और आपने इस गुस्ताखी को पूरे जग जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर कर दिया और आपने उस लड़के का ही दिल नहीं जीता बल्कि आज पूरे देश का ही दिल जीता हुआ, हर किसी के फोन पर आप देखी जा रही हैं, पूरी तरह से वायरल आप हो चुकी हैं, क्या एक बार भी सोचा था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कि ऐसा मौका मिलेगा कि आप रातों रात फेमस हो जाएंगी? मुझे पता नहीं, यही होगा सबसे अच्छा मौका एंड आई थिंक मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज भी किया। पता नहीं, इससे बेहतर कोई चांस मुझे मिल ही नहीं सकता था। बिल्कुल, इससे बेहतर चांस नहीं मिल सकता था प्रिया। लेकिन अभी तो मूवी रिलीज नहीं हुई है, मूवी रिलीज होने से पहले ये जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं या फिर सॉन्ग्स हैं वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, अब फिल्म से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको हो गई होंगी। हाँ जरूर, अभी तो बहुत सारे उम्मीदें हैं और ये मेरा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। अच्छा प्रिया प्रकाश, ये जब आप ये जब शूट हो रहा था इस सीन को आप रिकॉर्ड कीप करो, अच्छा इस जब सीन को आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो आप दिल से बताइए कि कितनी बार आपने टेक लिए, और एक बार तो हम आपसे यहाँ पर लाइव करवा के दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जिन अदाओं ने आज देश की जनता को घायल कर दिया है वो अदा आज लाइव इंडिया न्यूज पर कैसे निकलकर सामने आती है। प्रिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वो शॉट सिर्फ हमें सिर्फ एक ही टेक में ओके कर दिया था हमने, और यहाँ पर करना है मुझे। अच्छा, एक बार करती हूँ जी प्रिया, एक बार हो जाए। ओ वाओ, बहुत ही सूदिंग ये वीडियो भी है और इसके पीछे जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा सूदिंग लोगों को लग रहा है, और जो कॉम्बिनेशन लोग देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। क्लासरूम का एक सीन भी हमने देखा है, क्लासरूम में आप पहले अपनी फिंगर्स को किस करती हैं, फिर जैसे गन लोड करते हैं वैसे आप उस लड़के की तरफ करती हैं, वो भी जरा करके दिखाइए। आपकी आवाज भी बहुत मीठी है, आप बहुत ही खूबसूरत भी हैं। सोशल मीडिया पर हम इनके गानों को भी सुन सकते हैं अभी रचना, और इनके इस वीडियो ने तो धूम मचा ही दिया है, गानों के भी आपके फैन हो गए हैं लोग। अच्छा प्रिया, आप एक गाना भी अपनी आवाज में हमें सुना दीजिए, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपकी इस मीठी आवाज को। जरूर जरूर।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरेया, चन्ना मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरेया बेलिया, ओ पिया। बिल्कुल प्रिया, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया, लेकिन कोई समवन स्पेशल है जिसके लिए आपने ये गाना डेडिकेट किया हो, कोई आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, वैलेंटाइन गर्ल के नाम से आप फेमस हो चुकी हैं, आज वैलेंटाइन्स डे भी है, तो जो युवा वर्ग है उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी वैलेंटाइन्स डे के दिन? वैलेंटाइंस डे के दिन मैं ये कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल, और ये कहना चाहूंगी कि स्प्रेड लव, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग अस, और आगे भी आप सब लोग का प्रेयर्स चाहिए हमें जब मूवी रिलीज होता है तो। सो दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा प्रिया, आपने अभी बोला कि आपका फिलहाल कोई समवन स्पेशल नहीं है, वैलेंटाइन नहीं है, लेकिन अगर बॉलीवुड के अंदर से आप किसी को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहें तो किसको चुनेंगी आप? वो तो मुझे सोचना पड़ेगा। सोचिए आप, सोचिए, सोच के बताइए। बहुत सारे ऑप्शंस है, दैट्स व्हाई। बहुत सारे ऑप्शन में सबसे ऊपर कौन है प्रिया? आई थिंक सबसे ऊपर रणवीर सिंह, और गाना भी आपने उन्हीं का गाया अभी, तो मतलब ये चाहत गाना रणवीर कपूर का गाया, माफ कीजिए रणवीर कपूर का गाया, लेकिन क्या बॉलीवुड में इच्छा रणवीर सिंह के साथ काम करने की है आपकी? हाँ जरूर सबके साथ काम करना चाहूंगी। बॉलीवुड की मूवी अगर बात करें, कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन से डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगी, किस तरह की मूवी करना चाहेंगी? संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करना चाहूंगी। लेकिन संजय लीला भंसाली के फिल्म के साथ बहुत ज्यादा विवाद भी जुड़ जाते हैं, फिर आप तैयार हैं? हाँ वो तो है, पर ही मेक्स ब्यूटीफुल मूवीज दो। अच्छा प्रिया, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और एक उस फिल्म का डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं क्या, अगर आपको ध्यान हो? फेवरेट मूवी कुछ कुछ होता है बहुत पसंद है मेरे को। अच्छा तो कुछ कुछ होता है कि अंजलि का एक डायलॉग सुना दीजिए आप। राहुल इज अ चीटर चीटर, राहुल इज अ चीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रिया, आप ये बताइए शूटिंग के दौरान कैसा माहौल होता था? मलयाली फिल्म आपकी आने वाली है, उम्मीद पूरी ये है कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो गया है तो ये पिक्चर लोग देखने जरूर जाएंगे, और हिंदी भाषी जो हैं हम भी चाहेंगे कि मूवी जो है वो हिंदी में आए और हम भी इस फिल्म को देखें, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसा माहौल होता था, कौन सा सीन आपको बहुत बेहतरीन लगा? फिल्म की शूट तो बहुत मजेदार है, क्योंकि हमारा डायरेक्टर जो है वो बहुत फन लविंग है और स्ट्रेस फ्री है, हमें प्रेशराइज कुछ नहीं करते हैं और हमें एम्पल फ्री टाइम देते हैं, रिलैक्स करके करने को कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़े पॉजिटिव है।
प्रिया आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत आप एक्टिंग भी करती हैं, उतना ही खूबसूरत आप गाना भी गाती हैं। आपसे एक और गाना हम सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। जिस तरह हम आपको सीन में देख रहे हैं, बहुत ही नटखटी सी, चुलबुली सी, प्यारी सी लड़की हमें नजर आ रही है, रियल लाइफ में भी आप ऐसी हैं? हाँ हाँ, स्क्रीन में जो आप प्रिया देख रहे हो वही ओरिजिनल प्रिया है। और इस तरह शरारत आपने अपने क्लासमेट्स के साथ की है क्या स्कूल के दौरान? नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इट हैज सच फ्रेशनेस। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, इससे पहले आप दूसरा गाना हमारी मेरी सहयोगी रचना को सुनाएं। प्रिया, जब ये वीडियो वायरल हो गया रातों रात, आपने सुबह आंख खोली और जब आपके पास ये खबर पहुंची, घर में क्या माहौल था, फ्रेंड्स की तरफ से क्या आपको मैसेजेस आ रहे थे, आस पड़ोस में क्या हलचल थी, कैसा क्या महसूस हुआ? मैं बहुत खुश थी, पर पता नहीं था कि एक्साइटमेंट कैसे हैंडल करें, और सेम विथ माय फैमिली, उन लोगों को भी ये बहुत मुश्किल हो रहा है अभी कोप करने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन पॉपुलैरिटी एंड ऑल दैट। पर मेरे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड है, मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड है। वो लोग मुझे अपडेट करते रहते हैं कि तुम्हारा इंस्टाग्राम इतना हो गया ऐसे करके, दे आर मोर एक्साइटेड देन मी। फैन फॉलोइंग बहुत है आपकी, ये हमने जान लिया, और हम दोनों भी यकीनन आपके फैन बन चुके हैं, और आपकी सिंगिंग के भी। आप अपनी खूबसूरत आवाज में कोई गाना हमें सुनाइए प्रिया। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इंतजा, ये मेरी जमानत है तो मेरी अमानत है, अपने कर्म की कर दाए, इधर भी तू निगाहे सुन रहा है ना, तू रो रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब प्रिया, लेकिन एक बात बताइए कि आप मलयाली मूवी कर रही हैं, आप मलयालम हैं, तो आप हिंदी भाषा में कैसे इतना आसानी से, मतलब इस गाने को भी गा रही हैं और डायलॉग्स भी बहुत खूब बोल रही हैं, और एक्सप्रेशन तो आपके कमाल है। वो एक्चुअली मैं LKG तक बॉम्बे में रही हूँ, क्योंकि माई फादर वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, तो अभी भी फ्लुएंसी के लिए मैं और पापा हिंदी में बात करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग आउट वेल। अच्छा प्रिया, ये तो सब बातें रही आपकी खूबसूरती को लेकर, आपकी आवाज की खूबसूरती भी हमने देखी, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ना कि जब आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि जो मुस्लिम वर्ग हैं उन्होंने इस गाने के विरोध में FIR भी दर्ज करा दी है, उन्हें इससे कहीं ना कहीं एतराज है, साथ ही कई वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल वेबसाइट पर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो, राहुल गांधी के साथ हो, ट्रंप के साथ हो, अरविंद केजरीवाल के साथ हो, वो सब वीडियोस आपने देखे हैं क्या? हाँ मैंने देखे। कैसे लगे आपको देखकर? बहुत सारे मीम्स और ट्रोल्स आए हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, उतना भी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो ट्रोल्स को सब मैं पॉजिटिवली दे रही हूँ, दैट्स इट। आंखों की गुस्ताखियों के लिए आप रातों रात फेमस हो गए, कहते हैं ना प्रिया, आप इसको माइंड मत कीजिएगा, जब जब लोग आगे बढ़ते हैं तब तब इस तरह की आलोचनाएं उनका पीछा करती हैं, लेकिन हम आलोचनाओं को पीछे छोड़कर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए।
आगे बढ़ते हुए आपकी आंखों की गुस्ताखियां हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे। एक लास्ट बार हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से कह दीजिए, जिस तरह से आप आंखें हिला के अपने अदाओं से उससे उसके जरिए आप बात कर रही हैं, अपनी परिभार के प्यार की एक नई भाषा जो आप सामने रख रही हैं उसको एक बार फिर से दोहरा दीजिए। आपके वीडियो को देखकर पूरा देश आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है, यकीनन आप इंडिया न्यूज पर इस वक्त है। अच्छा, एक गोली वाला एक्सप्रेशन भी ले लेते हैं। तो हार बैठा एक बार प्रिया, आप वो गोली वाला एक्सप्रेशन भी कर दीजिए जो आपने धमाका मचा दिया है गोली मार के। बैठे हैं प्रिया आपके इन एक्सप्रेशंस पर, आपकी इन गुस्ताखियों पर, आपकी इन अदाओं पर। अब चलते चलते एक और खूबसूरत गाना हमारे दर्शकों के लिए खास वैलेंटाइंस डे पर। मैं अपनी मूवी के गाना गाना चाहूंगी। മാണിക്യ മലരായ പൂവി മഹദിയ ഖദീജ ബീവി മക്ക എന്ന പുണ്യ നാട്ടിൽ വിലസിടും നാരി വിലസിടും നാരി। बहुत क्यूट प्रिया, आप अभी शुरुआत ऐसी है, महज 18 साल की आप हैं और शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है रचना, तो अब आप सोचिए कि आगे कामयाबी आपको और मिले। बिल्कुल, इतने ज्यादा फॉलोअर्स और इतनी ज्यादा पब्लिसिटी शायद ही किसी को मिली होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी भी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं कि आपकी मूवी कमाल करे, धमाल करे और सुपर डुपर हिट हो। बहुत बहुत